तो अब हम लोग आ चुके हैं कैंडुलम बीच पे। कैंडुलम बीच में जो पार्किंग का चार्ज हमने दिया है 50 रुपये, एक गाड़ी का दिया है, दो गाड़ी का 100 रुपये दिया है। कैलंगट बीच पे केवल 30 रुपये था, यहाँ पे 50 रुपये लगा है, मतलब 20 रुपये ज़्यादा है, कोई बात नहीं, पर अपनी गाड़ी सेफ रहती है। पानी की बात करें तो पानी यहाँ भी बहुत अच्छा साफ पानी मुझे दिख रहा है, और लोग यहाँ पे भी मस्त इन्जॉय कर रहे हैं। ये भी एक फेमस बीच है, पास में ही है, तो आप जब भी आएँ तो इस बीच को जरूर कवर करें, मतलब एक साथ, ऐसा नहीं कि अलग अलग आ रहे हैं, एक साथ आप आएँ तो ये 3-4 बीच जो मैंने बताए हैं आपको वो एक साथ कवर करेंगे, तो आपको प्रॉफिट रहेगा और अपना अच्छा दिन जाएगा। ठीक है, ये बनाना राइड है, इस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, और उधर भी ये बहुत बड़ा बीच है, मतलब लंबा चौड़ा बीच है, तो अपन पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, बस मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे है। और इस तरीके से मिट्टी में लोग यहाँ पे ये जो बालू रेती होती है इसमें लेट जाते हैं, ऊपर से पूरा मिट्टी अपने ऊपर रख लेते हैं, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, खूब इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद पीछे तक आपको दिखा हुआ बहुत लंबा चौड़ा बीच है, तो इस तरीके से ये रहा। इसके अलावा यदि आप नहाना हो तो आप लोग नहा सकते हैं, पानी थोड़ा सारा है, और ये रहा पूरा समुद्र। एक्टिविटी भी यहाँ पर होती है, पर यहाँ पर एक्टिविटी कम होती है कम्पेयर टू कैलंगट बीच। कैंडुलम बीच में कम एक्टिविटी होती है, पर हाँ होती जरूर है। ठीक है, और उसके अलावा ये देखो सब लोग यहाँ पे अपनी मसाज करवा रहे हैं, तो मसाज भी आप यहाँ पे आराम से करवा सकते हैं, लोग यहाँ पे लेटे लेटे मसाज कराते हैं, ये देखो आराम से मसाज करवा रहे हैं। इसके अलावा पिक वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज का जो सेकेंड बीच है हमारा, हमने जो कवर किया वो किया कैंडुलम बीच, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं हम गए थे कैलंगट बीच का, कैलंगट बीच, कैंडुलम बीच दो कवर कर लिए हैं। अब हम प्लान करेंगे अरंबल बीच का, तो मतलब एक दिन की स्कूटी आप जो रेंट पे लेते हैं तो उसमें आराम से 3-4 बीचेस आराम से कवर कर सकते हैं, और आपको एक अच्छा दिन मतलब रहेगा आपका। यदि आप स्कूटी रेंट पे नहीं लेंगे, आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, तो आप एक ही बीच कवर कर पाएंगे, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो इस तरीके से माहौल बहुत अच्छा है। और एक एक बात और, अभी आप दिन में आए तो दिन में तो नहा सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, पर यदि आप दिन के बाद थोड़ा और टाइम निकाल लेंगे, मतलब शाम तक रुकेंगे, तो शाम को और अच्छा माहौल यहाँ पर हो जाएगा। शाम को पीछे जब जाएंगे तो पब क्लब वगैरह चालू हो जाएंगे, तो आप वो भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। आने का रास्ते में आपको बता दूँ कैंडुलम बीच आते कैसे हैं। कैंडुलम बीच यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, जैसे मडगांव में भी आप हैं, कहीं पर भी आप हैं, तो आपको पणजी आना पड़ेगा। पणजी के बाद आपको मापुसा आना पड़ेगा। मापुसा से आप बस लेंगे कैंडुलम बीच के लिए, तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। ठीक है, इससे क्या सकते हैं। और यदि आप स्कूटी लेके आते हैं तो स्कूटी लेके आपको सीधा गूगल मैप पे डालना है कैंडुलम बीच डालेंगे, तो आपको गूगल मैप पे एक रास्ता आ जाएगा जो कि पणजी से होते आएगा। पहले पणजी आएगा, पणजी से मापुसा आएगा, मापुसा से फिर यहाँ पे सीधे कैंडुलम बीच आ जाएगा, जो कि मतलब थोड़ी सी दूरी है मापुसा से। ठीक है, कैंडुलम बीच में आएंगे, गाड़ी में आपको फिर से पे पार्किंग ढूंढना पड़ेगी। पे पार्किंग ढूंढेंगे, 50 रुपये आपको पे करना है, 50 रुपये पे कर देंगे तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, और फिर आप आराम से घूम सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है पार्किंग का, 50 रुपये जो ले रहे हैं वो 4 घंटे के ले रहे हैं, और इसका अपोजिट में कैलंगट पर जो था वहाँ पे 30 रुपये ले रहे थे 6 घंटे के। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 4 घंटे से ज़्यादा टाइम ना हो जाए, 4 घंटे से ज़्यादा टाइम होगा तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। दोस्तों यदि आप ये जो सीट वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, यदि आप ये लेना चाहते हैं तो तुम तो 200 बोला था भाई, YouTube तेरा सस्ता देख के लोग आएंगे, इधर ज्यादा लेंगे ना। ठीक है, आओ आओ बैठो, यहाँ बैठो, आप बार्गेनिंग कर सकते हो। तो ये वैसे तो बोलेंगे 200 रुपये एक घंटे का, पर आप 50 रुपये एक घंटे का देके इस पे एक घंटे रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस बीच पे बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी एक घंटे से ज्यादा तो कोई बैठता नहीं है वहाँ पे, बैठने थोड़ी ना आए, पर मैं एंजॉय करने आए। बीच में थक जाते हैं, लग रहा है कि अपन को बैठना है, तो ये जो चेयर वगैरह रखी हुई है, सीट वगैरह रखी हुई है, 200 रुपये बोलेंगे आप बार्गेनिंग करके 50 रुपये में 10 रुपये में मना लो 50।